सांगली में चोरों ने एटीएम मशीन चोरी करने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। तफसीलात के मुताबिक महाराष्ट्र के सांगली में एक दिल दहला देने वाले वाक़े में एक एटीएम मशीन अनोखे तरीके से चोरी हो गई, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है। महाराष्ट्र के सांगली में एटीएम मशीन चोरी करने के लिए एक जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया गया। ये वाक़ा हफ्ते की आधी रात के करीब उस वक्त पेश आया जब सांगली के मिराज इलाके में एक एक्सिस बैंक की एटीएम मशीन चोरी हो गई। सीसीटीवी फुटेज में जिसने जुर्म को कैद किया है, एक शख्स को एटीएम में दाखिल होते और फिर अचानक बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद एक जेसीबी मशीन एटीएम के शीशे के दरवाजे को तोड़ती नजर आती है और जेसीबी की मदद से एटीएम मशीन चोरी कर ली गई। मिराज ग्रामीण पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर चंद्रकांत बेदरे ने बताया कि 23 अप्रैल की दरमियानी रात चोरी होने वाली एटीएम मशीन एक्सिस बैंक की है। इंस्पेक्टर बेदरे ने बताया कि पहले पेट्रोल पंप से एक जेसीबी चोरी की गई और फिर उसे एटीएम चोरी करने के लिए इस्तेमाल किया गया। पेट्रोल पंप से एक जेसीबी चोरी हुई थी और फिर उन्होंने एटीएम मशीन चोरी करने के लिए इस जेसीबी का इस्तेमाल किया। हमें चोरी की जेसीबी मिली है और एटीएम मशीन भी मिली। एटीएम मशीन में 27 लाख रुपये नकद थे। हाँ, मतलब जगह पहली घटना थी। ये पी आई जो